नाउ नेक्स्ट वन इकोलॉजिकल पिरामिड। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। तो हमें पिरामिड के बारे में पता ही है, हम लोग जानते ही है कि पिरामिड कैसा है। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टूवर्ड द अपेक्स। तो हमें पता है कि पिरामिड जो है वो बेस पार्ट में नैरो है एंड सॉरी बेस पार्ट जो है उसमें ब्रॉड है एंड अपेक्स पार्ट में नैरो है, उसकी जो अपेक्स पार्ट है उसमें वो नैरो है। वन गेट अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक। तो हमें पता है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म जो है उसका फूड एनर्जी के साथ रिलेशन रखता है। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर्स बायोमास और एनर्जी। तो ये जो रिलेशन है उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर बायोमास में या फिर एनर्जी में। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट टर्सरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो पिरामिड के बेस पार्ट में होंगी, सभी प्रोड्यूसर्स जो है वो पिरामिड के बेस पार्ट में होंगी एंड टॉप लेवल पे कौन होगा तो कंज्यूमर होगा। द थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीज आर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हम लोग ये थियरी में थ्री टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है वो कौन सा है, पिरामिड ऑफ नंबर। देन सेकेंड टाइप्स जो है वो पिरामिड ऑफ बायोमास। देन थर्ड टाइप जो है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के नंबर है एंड ट्रॉपिक लेवल है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो ये उसका बेस पार्ट है, पिरामिड का बेस पार्ट जो ब्रॉड है एंड जैसे अपेक्स पार्ट में जाएंगे वो नैरो होता जाएगा। तो बेस पार्ट उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहाँ पे पी पी का फुल फॉर्म क्या होगा तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो हमें पता है कि इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होगा तो प्रोड्यूसर्स होंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे 58,42,000 जो है वो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो पिरामिड के बेस पार्ट में है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, उसका नंबर कितने है तो 708,000 प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। तो इससे कम हो गए है क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कंज्यूमर होंगे। दैन सेकेंडरी कंज्यूमर वो 3,54,000 है। दैन टर्सरी कंज्यूमर जो लास्ट मींस अपेक्स लेवल पे वो ओनली थ्री ही है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पिरामिड में क्या होगा, तो उसके बेस पार्ट में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे एंड जैसे ही वो उसके अपेक्स पार्ट में जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इंडिविजुअल्स उसके अमाउंट कम होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में भी बेस पार्ट जो है वो ब्रॉड है एंड जैसे ही वो टॉप लेवल पे जाएगा अपेक्स पार्ट जो है वो नैरो होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स कितने हैं ड्राई वेट में किलोग्राम मीटर इनवर्स माइनस टू, यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल है एंड यहाँ पे वेट दिया हुआ है क्योंकि बायोमास है। प्राइमरी प्रोड्यूसर 809 है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर कितने होंगे तो ओनली 37, दैन सेकेंडरी कंज्यूमर 11 एंड टर्सरी कंज्यूमर 1.5। तो यहाँ पे भी बेस पार्ट टू अपेक्स पार्ट तक जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म के जो ड्राई वेट है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास है एंड डिक्रीज इन बायोमास एंड हायर ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल पे बायोमास डिक्रीज होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन जो है वो
यहाँ पे ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जोप्लैंक्टन। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेड पिरामिड है, ये सभी पिरामिड से उल्टा होगा क्योंकि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ओनली 4 है एंड प्राइमरी कंज्यूमर 21 है। तो दूसरे पिरामिड से ये उल्टा हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जो है वो सपोर्ट पार्ट है, एक्वेटिक पिरामिड जो है वो सबसे अलग पिरामिड है, सबसे डिफरेंट पिरामिड है, क्योंकि इसमें क्या होगा तो उसमें बेस पार्ट जो है वो नैरो होगा एंड उसका जो अपेक्स पार्ट जो है वो ब्रॉड होगा, सभी पिरामिड से उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जूप्लैंक्टन जो है वो लार्ज नंबर में कम होना चाहिए, वो लार्ज नंबर में, एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो लेस नंबर में। एंड लास्ट वन पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ये एनर्जी का पिरामिड है। इन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट एंड अवेलेबल टू दैम इन टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जूल में दी गई हुई है एंड 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बेस पार्ट पे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो 10,000 जूल यहाँ पे एनर्जी होगी, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में ओनली 1,000 जूल होगी, दैन सेकेंडरी कंज्यूमर में ओनली 100 जूल एनर्जी होगी, दैन टर्सरी कंज्यूमर में ओनली 10 जूल एनर्जी होगी। तो एनर्जी जब वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में पास होती है तब कुछ एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिज्म खुद ही यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगी, तब वो कुछ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। इसलिए बेस पार्टों अपेक्स पार्ट जब एनर्जी फ्लो होती है तब वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी का पिरामिड है। तो यहाँ पे 3 पिरामिड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देन एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कॉन्टेंट बायोमास और नंबर्स हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। तो जब हम लोग एनर्जी बायोमास एंड नंबर ऑफ पिरामिड का कैलकुलेशन करते तब सभी ट्रॉपिक लेवल पे सभी ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ ट्रॉपिक लेवल में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उसका इन्वॉल्व नहीं होता है। नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉपिक लेवल इन टू अकाउंट। तो अब जब हम लोग ये ट्रॉपिक लेवल की स्टडी करते हैं, ये जो पिरामिड में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दैन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर में कुछ ऐसी स्पीसीज जो है उसका इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग उसका स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं ला सकते। नाउ वन मस्ट रिमेम्बर ऑल्सो आ गिवन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ट्रॉपिक लेवल पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन इसमें सभी स्पेसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। देन वन मस्ट रिमेम्बर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज अ सच एज। तो यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रॉपिक लेवल पे जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है वो फंक्शनल लेवल है, कोई स्पीसीज का नहीं है। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल अ स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर वैन इट इट्स सीड्स फ्रूट्स पीस एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर वैन इट इट्स इंसेक्ट एंड वर्म्स। तो हमें पता है कि
कुछ स्पीसीज जो होती है उसको वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में इन्वॉल्व होते हैं, एंड वो भी सेम इकोसिस्टम एंड सेम टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल, अ स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट सीड्स, फ्रूट्स, पीस, एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट इट्स इंसेक्ट एंड वर्म्स. तो हमें पता है कि स्पैरो जो है वो सीड्स, फ्रूट, पीस ये सभी खाता है, एंड वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है. फिर भी वो इंसेक्ट एंड वर्म्स भी खाता है, इसलिए वो सेकेंडरी, उसका इन्वॉल्व सेकेंडरी कंज्यूमर में भी होगा. पहले हम लोगों ने स्पैरो को प्राइमरी कंज्यूमर में रखा क्योंकि ये वेजिटेरियन है, फ्रूट, सीड्स, पीस ये सब खाता है. उसके बाद उसको सेकेंडरी कंज्यूमर में इन्वॉल्व किया क्योंकि ये इंसेक्ट एंड वर्म्स भी खाता है. तो यहाँ पे तो हम लोगों ने डिफरेंट आइडेंटिफाइड किया कि प्राइमरी कंज्यूमर इतने हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर इतने. ऐसा नहीं है, कई स्पीसीज ऐसी भी होती है जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में इन्वॉल्व होती है. इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट. फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोरस, एंड हर्बीवोरस आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोरस. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सभी इकोसिस्टम में क्या होगा, तो प्रोड्यूसर्स जो है वो हर्बीवोरस से ज़्यादा होंगे, एंड उसके पास हर्बीवोरस से ज़्यादा एनर्जी होगी, एंड हर्बीवोरस जो है उसके पास कार्निवोरस से ज़्यादा एनर्जी होगी. एंड ऑल्सो एनर्जी एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट द हायर ट्रॉपिक लेवल. तो हमें पता है कि लोअर ट्रॉपिक लेवल जो है, जो ब्रॉड एरिया है पिरामिड की, उस ऑर्गेनिज्म के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेरिजन ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल. द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज आर एक्सिड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. तो हमें पता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा. हाँ, इन्वर्टेड होगा क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर है. जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कम होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर, एंड प्राइमरी कंज्यूमर जो है जैसे कि जू प्लैंक्टन्स वो ज़्यादा होंगी. मीन्स सभी इकोसिस्टम के पिरामिड से ये जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड पिरामिड है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज वेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज अ हीट एट ईच स्टेप. तो हमें पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट है क्योंकि कैन नेवर बी इन्वर्टेड. यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तब कुछ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है, मीन्स यूटिलाइज हो जाती है. एंड ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअल पर यूनिट एरिया. हाउएवर, there are certain limitation of ecological pyramid such as it does not take into account the same species belonging to two or more tropic level. तो ecosystem के pyramid में कुछ ऐसे भी species होंगे organism की जो एक से ज़्यादा tropic level में involve हो सकते हैं. It assumes a simple food chain, something that almost never exist in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophyte are not given any place in ecological pyramid even though they play a vital role in the ecosystem. तो यहाँ पे कुछ organism ऐसे भी है, for example saprophytes, उसका ecological pyramid में कोई place नहीं है, उसको कोई place ही नहीं दी गई है, जबकि इसका important भी सबसे ज़्यादा है. अगर ये नहीं होंगे सेप्रोफाइट तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का कन्वर्ट होगा ही नहीं, एंड फर्टिलाइजेशन फॉर्म नहीं होगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा तो सभी जो प्रोड्यूसर्स है उसका ग्रोथ नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे ये पिरामिड थियरी जो है वो कंप्लीट हुई.